तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं इस चैनल ने 2 लाख सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। और ये देखेंगे ये सिंपल शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, पैक शॉर्ट वीडियोस आप ये देख सकते हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितने पर मंथ कमाते हैं, और ये देखेंगे कितने पर ईयर कमाते हैं, और ये देखिए ये कितने पर डे कमाते हैं, ये उनके एनालिटिक्स हैं। और आज की इस वीडियो को मैंने 6 स्टेप में डिवाइड कर लिया है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे आप फैक्ट शॉर्ट वीडियोस बना सकते हैं, वो भी सिर्फ एआई की मदद से। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, सब एआई की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, फाइंड चैनल नेम एंड डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले हम आ जाते हैं गूगल पैड पर चैनल नेम और डिस्क्रिप्शन लिखवाने के लिए। तो यहाँ पर हम आकर यहाँ पर लिखते हैं गिव मी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल नेम, फैक्ट्स यूट्यूब चैनल नेम, आइडियाज़। तो इसे सेंड कर देते हैं। जैसे ही हम सेंड करेंगे थोड़ा टाइम लेंगे, फिर उसके बाद आपको यूनिक एंड इंटरेस्टिंग चैनल नेम आइडियाज़ दे देंगे। ये देखेंगे यूनिक एंड इंटरेस्टिंग चैनल नेम आइडियाज़ इन्होंने दे दिए हैं। ये कुछ अलग आइडियाज़ हैं, इनमें से आपको कोई भी एक चूज़ कर लेना है। ये देखें आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा तो इसे मैं कॉपी कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन लिखने पर आते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे राइट यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन, बेस्ड ऑन फैक्ट्स वीडियोस हियर चैनल नेम। तो यहाँ पर चैनल नेम हमने पेस्ट कर देना, उसके बाद इसे सेंड कर देंगे। जैसे हम सेंड करेंगे तो थोड़ा टाइम लेंगे, उसके बाद हमें जनरेट कर देंगे डिस्क्रिप्शन। आप ये देख सकते हैं, मुझे लाइक ये इतना अच्छा नहीं लगा तो मैं इसे रीजनरेट करूँगी। यहाँ पर आ जाते हैं, उसके यहाँ पर रीजनरेट के बटन पर क्लिक कर देना रीजनरेट करने के लिए। तो ये हम रीजनरेट कर लेते हैं। ये देखें कैसे हम रीजनरेट करेंगे, ये भी मुझे इतना सिग्नल नहीं लगा, तो फिर से हम रीजनरेट करेंगे। ये देखें ओके, मुझे ये लाइक ठीक लगा, तो इसे हम कॉपी कर देंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव है ये वाला डिस्क्रिप्शन, तो ये हम कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पर, क्रिएट चैनल लोगो एंड बैनर। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैनवा पर आ जाते हैं लोगो और बैनर बनाने के लिए। हम यहाँ पर लोगो टाइप करते हैं, यहाँ पर ब्लैंक टेम्पलेट चूज करते हैं, यहाँ पर कोई डार्क बैकग्राउंड चूज करेंगे, और यहाँ पर लिख देते हैं चैनल का नाम सेपरेटली। हम ये सेपरेटली लिखेंगे ताकि लाइक अलग अलग लिखेंगे, और इसे थोड़ा स्टाइल देंगे। देखें ये हमें लिख लिया है, इसके बाद इस पर इफेक्ट्स लगा देंगे ये वाले। ओके, इन्हें फिर थोड़ा एडजस्ट करेंगे, इन्हें थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, और उसके बाद इसे डाउनलोड कर लेंगे। ये देखें उसके बाद इसे डाउनलोड कर लेते हैं। और फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर कैनवा पर अगेन, यहाँ पर लिखते हैं यूट्यूब बैनर, और क्लिक करते हैं ब्लैंक टेम्पलेट पर। यहाँ पर सिमिलर बैकग्राउंड रख लेंगे जो हमने लोगो का रखा था। फिर यहाँ पर हम सेपरेटली नेम लिख लेते हैं चैनल का। ओके, यहाँ पर ये फिर से इफेक्ट्स लगाएंगे इन्हें, यहाँ पर फिर से इन्हें लाइक सही से एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद ये इफेक्ट्स लगा देते हैं। ये देखिए कितना सही है। उसके बाद यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं सेंटर में, इसे छोटा करके यहाँ पर ये सब्सक्राइब बटन ऐड कर देने जो मैंने गूगल से डाउनलोड किया था, उसके बाद इसे डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 पर, क्रिएट यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट विद AI। तो यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट जनरेट करने के लिए हम ChatGPT पर आ जाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं राइट 10 फैक्ट्स अबाउट एनिमल, यहाँ पर लिख देते हैं राइट 10 फैक्ट्स अबाउट एनिमल्स। तो यहाँ पर जैसे ही ये लिखेंगे ये हमें लाइक फैक्ट्स दे रहे हैं एनिमल्स के, फैक्ट्स की इंफॉर्मेशन। तो मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा तो मैं इसे रीजनरेट कर लूँगी। ये देखें लाइक अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में चाहिए हो, अगर आपको लॉन्ग फॉर्म में चाहिए हो इन्फॉर्मेशन, तो आप वो भी लिख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपको लाइक ये यही चाहिए हो लेकिन शॉर्ट वे में लिखूँ हो, यहाँ पर हम लिखेंगे राइट इट शॉर्ट वे। तो यहाँ पर जैसे ये लिखेंगे ये हमें लाइक इसी को शॉर्ट वे में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे राइट इट इन मोर डिटेल लिखेंगे, तो ये इन्हें बहुत डिटेल में लिख देंगे। ये देखिए इन्हें और डिटेल में लिख दिया है ChatGPT ने। तो ऐसे आप कर सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से, जो आपको लाइक सही लगता हो आप वैसे कर सकते हैं। तो मैंने ये जनरेट कर लिया। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर, यहाँ पर आ जाते हैं स्टेप नंबर 4 पर, जनरेट वॉइस ओवर विद AI।
तो वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए हम आ जाते हैं 11 लैब्स पर। यहाँ पर क्लिक करेंगे फर्स्ट वेबसाइट पर, ये देखें यहाँ पर मैंने ये पैराग्राफ कॉपी कर देना है, फर्स्ट पैराग्राफ है ये, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे वॉइस ओवर, उसके बाद ये जनरेट हो जाए। जब तक ये जनरेट हो रहा है हम नेक्स्ट पैराग्राफ को कॉपी करते हैं। हम आ जाते हैं यहाँ पर, कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को, हम इसे कॉपी कर लेंगे और इसे डाउनलोड कर लेंगे। ऐसे हम डाउनलोड कर लेते हैं और सेकेंड पैराग्राफ को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। फिर से इसे प्ले के बटन पर क्लिक करके रीजनरेट कर लेते हैं और यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं। थर्ड पैराग्राफ को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये देखें यहाँ पर वो हमने पेस्ट कर दिया, और इसे फिर से रीजनरेट कर लेंगे, फिर से जनरेट कर लेंगे थर्ड पैराग्राफ को। तो ये देखें ये जनरेट हो जाए तो इसे डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद हमें ऐसे ही हमें सारे स्क्रिप्ट के साथ करना होगा, ऐसे ही सबको कॉपी करके पेस्ट करके डाउनलोड कर लेना होगा इसे जनरेट करके। फिर इसके बाद जैसे हम ये ये हो जाए, इसके बाद हम इसे डाउनलोड कर लेंगे और ये अगला भी कॉपी कर लेते हैं। जब तक ये डाउनलोड करते हैं तो ये दूसरा भी पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद जैसे ये पेस्ट करेंगे हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर, स्टेप नंबर 5 पर, क्रिएट यूट्यूब वीडियो विद AI। तो वीडियो बनाने के लिए हम आ जाते हैं vibe.video पर। ये बिल्कुल ही फ्री प्लेटफॉर्म है, जो भी टूल्स बताए मैंने इस वीडियो में वो सारे फ्री हैं। मैं क्लिक करती हूँ साइनअप पर, हम गूगल से साइनअप कर लेते हैं। उसके यहाँ पर मैं आ जाती हूँ प्लस पर, फ्रॉम टैक्स, यहाँ पर टैक्स टू वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर ये कॉपी कर लेते हैं, ओके, ये कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फ्री पर क्लिक कर देना है, शॉर्ट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको साइज सेलेक्ट करना होगा, साइज सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट वीडियो पर क्लिक कर दें। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये थोड़ा टाइम लेंगे जनरेट करने में। ये देखें ये विजुअल्स वगैरह खुद से ही ऐड करते हैं। ये देखें ओके ये हो गया, ये लाइक आ गया। ऐसे हम क्या करेंगे, पहले हम म्यूज़िक का थोड़ा चेंज कर देते हैं, म्यूज़िक का वॉल्यूम ऐसे चेंज कर देंगे। जैसे इसे चेंज करेंगे हम यहाँ पर, उसके बाद ये देखते हैं सही है तो हम सारी वीडियोस देखते हैं, ओके ये भी सही है, ठीक है। फिर ये थर्ड वाली देखते हैं कि मुझे ये भी सही है, ओके ये वाला पार्ट मुझे इतना सही नहीं लगा तो इसे हटा देते हैं, हम इसे कट कर देंगे यहाँ से, ओके इसे भी हटा देते हैं, ओके ये देखें ये हो गया। उसके बाद ये मैं देखें मुझे लाइक ओके ये हो गया तो ये एडजस्ट हो गया। उसके बाद ये देखें और मुझे ये वाला पार्ट भी इतना अच्छा नहीं लगा तो इसे भी कट कर देंगे। उसके बाद ये लाइक म्यूज़िक को भी कट कर देते हैं, देखें म्यूज़िक को भी कर देंगे, इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे वीडियो के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद ये जो वीडियो है मुझे फुल स्क्रीन पर चाहिए, लाइक ये बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए तो इसे मैं एडजस्ट कर लूँगी, ऐसे ही सारे वीडियोज़ का कर दूँगी। ये देखें सारे सीन्स पर ऐसा ही कर दूँगी बिकॉज ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है लाइक बैकग्राउंड से। तो यहाँ पर ये भी यही कर दूँगी, ओके ये हो गया। और ये लास्ट रहता है, इसे भी कर दूँगी, ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सारे हो गए, जैसे ये सारे हो गए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे पब्लिश पर क्लिक कर देंगे, वो जो साइट पर बटन आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर क्लिक कर देंगे डाउनलोड करने के लिए। ये देखें पब्लिश पर क्लिक करके वीडियो पर करके रेंडर विथ वीडियो, रेंडर विथ मार्क वाटर मार्क कर देंगे। और ये देखेंगे थोड़ा टाइम लेंगे रेंडर होने में ये वीडियो, तो ये थोड़ा टाइम लेते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 6 पर, एडिट यूट्यूब वीडियो एंड प्रीव्यू। तो एडिट कर लेंगे यहाँ पर, वीडियो एडिटर में आ जाएंगे और यहाँ पर लाइक कर देंगे, साइज सेलेक्ट कर देंगे शॉर्ट वीडियो का और इसे थोड़ा एडिट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर ऐड कर देंगे वॉइस ओवर और जो भी फालतू पार्ट्स हैं वॉइस ओवर में वो हमें डिलीट कर देने हैं। यहाँ पर ये कर देंगे, ये देखें जो भी फालतू है जिनमें लाइक वॉइस ओवर नहीं है, जो लाइक जिनमें स्पेस वगैरह है या एम्प्टी पार्ट है वो डिलीट कर देना है, ये देखें। उसके बाद ये हमें सारा एक साथ कर लेना है, एडजस्ट कर लेने से, उसके बाद इसे वीडियो के हिसाब से एडजस्ट करते हैं और इसे डाउनलोड कर देंगे। इस पर थोड़े से इफेक्ट लगाते हैं, ये देखें जैसे ये हो जाए यहाँ पर थोड़े से इफेक्ट लगाते हैं, ये वाला सही है, ये भी है, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो जैसे ये इफेक्ट लगा लें हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। ये देखें इसे इफेक्ट लगाने के बाद हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। Dance to communicate. Honeybees use a unique form of dance known as the waggle dance to communicate the location of food sources to other members of their hive. The direction and duration of the dance convey information about the distance and direction of the food. आज के लिए बस इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा मजीद वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।